कौन हो तुम, कौन हो तुम जो हाथों में जुगनू लेकर मसालों से होर लगाती हो, जिद्दी इतनी कि हवाओं के साथ दौड़ लगाती हो, रेत पर पांव घिसती हो और कहती हो कि पानी यहीं से निकलेगा, सियाह रातों से कहती हो तुझे ढलना होगा, बुरे वक्त से कहती हो तुझे बदलना होगा, मायूसियों से उम्मीद मांगती हो, सन्नाटों से संगीत मांगती हो, जीवन के संघर्ष पथ पर नया इतिहास रचती हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम? ओ कौन, कोई और नहीं, देश की 15वीं राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, नारी शक्ति की विलक्षण प्रतिभा की धनी, मानवता और इंसानियत की देवी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्रणाम करता हूं और उन्हें राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा देश भारत नई ऊंचाइयों को चूमेगा। एक ऐसा भी समय आया कि द्रौपदी मुर्मू पर दुखों, मुसीबतों और मुश्किलों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिनसे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। महज 3 वर्ष की बेटी 1984 में गुजर गई। 2009 में पहला बेटा मृत्युशैया के गोद में सोए ही रह गया। दूसरा बेटा 2013 में एक्सीडेंट में मारा गया। पति 2014 में परलोक सुधार गए। मां 2015 में गुजर गई। छोटा भाई अगले साल चल बसा। मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर भी वे हारी नहीं, झुकी नहीं, टूटी नहीं, अनवरत संघर्ष पथ पर एक छत्रानी की तरह आगे बढ़ती रही, मानवता और इंसानियत की सेवा करती रही, और उनका विशाल व ममतामय हृदय और आम जनता के प्रति उनके सच्चे और अच्छे कर्म लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा और आज वे देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गईं। आज वे देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रही हैं और आज से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से संपूर्ण जगत में जानी जाएंगी। कौन कहता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सटीक बैठती है। बड़ी सोच शहरों की मोहताज नहीं होती, बड़ी सोच बड़े लालन पालन के भी मोहताज नहीं होती। एक छोटे से गांव में सीमित संसाधनों के बीच बड़ी सोच भी रखी जा सकती है, यही साबित किया द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू का जन्म एक आदिवासी परिवार में उड़ीसा के मयूरभंज जिला के राय रंगपुर क्षेत्र की ऊपर वेरा गांव में पिता वीरची नारायण टुड्डू के घर 1958 में हुआ था। इनके पिता मयूरभंज के राज दरबार में एक साधारण कर्मचारी थे। वे उस गांव के मुखिया भी रहे। अपने 3 भाई-बहनों में द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़ी बहन है। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्रारंभ हुई। वहां नोडल स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद वे भुवनेश्वर से 10वीं की परीक्षा पास की। रमा देवी कॉलेज भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन किया और 1979 में उड़ीसा सचिवालय में नौकरी भी की। उसके बाद वे 1994 में एक शिक्षक बन गई। एक शिक्षक के रूप में जिस भी बच्चे को पढ़ाती थी तो एक औसत बच्चा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता। उसके मार्क्स का परसेंटेज ऊंचाई को छूने लगता। वे एक शिक्षक के रूप में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली।
समय से स्कूल जाना और समय से आना, ईमानदारी और लगन से बच्चों को पढ़ाना उनके जीवन का उद्देश्य और आदर्श बन गया। एक टीचर के रूप में उनकी प्रसिद्धि पूरे इलाके और शहर में चर्चा का विषय बन गया। गांव के लोगों के आग्रह पर द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में प्रवेश किया और इसकी शुरुआत राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर राजनीतिक जीवन आरंभ किया। वर्ष 2000 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा की सीट जीती और वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल के सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्री बनी। 2002 से 2004 तक मत्स्य और पशु संसाधन विभाग की मंत्री रही। 2007 में उन्होंने उड़ीसा विधानसभा में श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी हासिल किया। द्रौपदी मुर्मू को 2015 से 2021 तक झारखंड की प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त है और आज वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। गांधी जी का सपना था देश के सर्वोच्च शिखर पर राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला बैठे। आज आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पर गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है, यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम आया तो कुछ नेताओं ने कहा ये तो रबर स्टंप है, तो कुछ ने कहा ये तो स्टेचू है, तो कुछ ने कहा ये तो मूर्ति है, किसी ने कहा हमने तो कभी इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते नहीं सुना है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उन ओछी और छोटी सोच वाले लोगों को बता दिया, साफ साफ कह दिया कि मेरा शब्द नहीं, मेरा काम बोलता है और काम बोलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान शंकर की अनन्य भक्त हैं और उनकी आस्था भगवान कृष्ण के उन वचनों में है, अहम मैं दक्षिणे हस्ते, अगर मैं दाहिने हाथ से कर्म करूंगी तो बाएं हाथ में सफलता अवश्य मिलेगी। एक वाकया है, जब द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी उस समय वहां बीजेपी की सरकार थी और इनका भी बैकग्राउंड बीजेपी का था। उसी समय झारखंड के सरकार ने दो बिल लाने का निर्णय लिया। वो दो बिल ट्राइबल लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए था। जब बिल उनके पास आया तो सबको लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट का बिल है और गवर्नर भी उसी पार्टी की है, तो फिर क्या डर है, ये तो साइन अवश्य ही कर देंगी, कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने उन बिलों को रोक दिया, उन बिलों को वापस भेज दिया, हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया, उल्टा सवाल कर दिया कि क्यों लाया गया ऐसा अमेंडमेंट बिल जो जनहित के खिलाफ है, शेड्यूल ट्राइब के हक में नहीं है। पूरा देश चौंक गया, पूरा राज्य चौंक गया, किसी को ऐसी उम्मीद न थी। ऐसी हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जब झारखंड के गवर्नर पद से रिटायर हो गई, वे पुनः गांव आ गई, सभी सरकारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक साधारण नागरिक के रूप में जन सेवा के कार्यों में जुट गई। अचानक एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और प्रधानमंत्री जी ने कहा आपका नाम राष्ट्रपति पद के लिए भेजा जा रहा है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी कहकर द्रौपदी मुर्मू रो पड़ी। इसके आगे वे कुछ बोल ना पाई। आज वे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। त्याग, तपस्या, ईमानदारी
सच्चाई, विशाल ममतामय हृदय एवं एक निष्ठावान कर्म योगी व्यक्तित्व की धनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आज देश को गर्व है।